हेलो फ्रेंड्स, तो तुम्हारा भाई अभी कर रहा था जिम में वर्कआउट, तो बीच में कॉल आ गया फ्रेंड्स का कि भाई नगरा फोर्ट जाना है। कुछ प्लान नहीं था, बैठे बैठे प्लान लेके चलना है, मेरे को कॉल आ गया कि भाई चलना है। मैंने कहा चलना है तो चलो भाई। तो बॉयज का ऐसा ही होता है, जब भी मूड बनता चल जाता है, हमारे कुछ ऐसे प्लान नहीं बनते। ये मोस्ट ऑफ बॉयज का मालूम होगा कि जब भी प्लान बन गया किसी एक बंदे का तो सारे इकट्ठे ही चलते हैं। अब हम रेडी होते जाए घर पर, बनाते हैं प्लान। तो फ्रेंड देखो, मैं अभी जिम से वर्कआउट करके कंप्लीट करके घर पे आया था, तो मैं ज़्यादा फास्ट फूड कुछ बाहर खाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सोचा खुद ही कुछ प्रिपेयर कर लूँ। तो मेरे पास मैंने 4 एग वाइट्स लिए अपने इकट्ठे किए, ठीक है। उससे पहले मेरे को बर्तन भी धोने पड़े थे यार, क्योंकि कोई था ही नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स का ऐसे ही होता है। तो मैंने पहले बर्तन क्लीन किए थोड़े से, जिसमें मैंने अपना वाइट एग जो है वो निकाले, उसको बढ़िया मिक्स किया एंड उसके बनाया मैंने ऑमलेट। ऑमलेट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दो प्लेट को उसको सेकूंगा बढ़िया से, ऑमलेट रेडी हो जाएगा, उसके बीच में रख के मेरे अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा इनको। तो जैसे ही बना रहा था तो बीच बीच में डिफ़िकल्टी आ रही थी बर्तन उड़ने के लिए, और बीच में ही मेरे फ्रेश फ्रेंड्स जो पहले ही आ चुके थे, तो इनसे कुछ देर बातें की। मैंने ये ऑडियो इसलिए बंद किया क्योंकि सबका मालूम है कि बेस्ट फ्रेंड्स की कम्युनिकेशन कुछ ऐसी होती है जो कि सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जा सकती, तो इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो मैंने व्लॉग सिंपली आपको शो करना था। फास्ट फॉरवर्ड के इनको ऑडियो में देना पड़ रहा है। आई होप नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग देखोगे आप, काफ़ी ऑडियो मैंने क्रिएट किया है, ओरिजिनल नहीं टाइप कर पाया बिकॉज ऑफ हैविंग बैड कम्युनिकेशन, तो सबको मालूम है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करते हैं। पानी तो जग भरना, फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स मेरी भी शिफ्ट थी आज, बट मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि जब भी आपको लाइफ में घूमने का मौका मिला फ्रेंड्स के साथ, तो आप डेफिनेटली जाना, क्योंकि पैसा आप दोबारा कमा लोगे, बट जो मोमेंट जो हमने एंजॉय किए हैं आज के दिन में करेंगे वो आप दोबारा नहीं ले पाओगे। चाहे आप कितने ही मनी अर्न कर लो, सेम प्लान वो सेम फ्रेंड्स सबको दोबारा नहीं मिलते। सो प्लीज हैव अ टाइम एंड चांस टू राइड विद फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ये मेरे फ्रेंड ने तेल डलवाया अपनी गाड़ी में $40 का, $40 में गाड़ी का टैंक फुल हो गया। देना कुछ भी नहीं है, बस हमको अपना घूमना है, जो भी हमारे खर्चे आएंगे पर्सनल आएंगे उसका कोई इशू नहीं है, बट फिर भी $40 का तेल बड़े ने लगवाया।
फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल्स। तो पहले हमने गाड़ी में थोड़ा आउट ऑफ व्यू लिया कि कैसा दिखता है, और ये गाड़ी पार्क करेंगे टिम होटल के पास जो पार्किंग है वहां पर, जिसके चार्जेस अप्रोक्स 15 डॉलर है। पहले ही हम लोग वहाँ पर आए थे, तो पहले गाड़ी पार्क करते हैं फिर रिटर्न बैक आएंगे इसी लोकेशन पर, स्टार्टिंग से घूमेंगे। जब भी राइड्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होगी वो सारी एक्सप्लोर करके ही हम घर पर जाएंगे। टाइम मैटर नहीं करता क्योंकि हम थोड़ी पहले टाइम से घर पर चालू कर दिया था, तो कोई इशू नहीं है। अभी ये हमारा टिम होटल, ये कि बंदा गरीबी देख रहा है, ये होमलेस आने भी आई होप। उस तरह हमको जाना जो सामने है ना रोड, हमको भी सीधा जाना वहाँ पर, उधर सामने हमारा जो है नायग्रा फॉल्स कभी अवेलेबल होगा। एक राइड हमने बुक कर लिया जो कि अप्रोक्स पर हेड हमको पड़ी है 37 डॉलर की, ओके विद टैक्स वगैरह लगाकर हमको जो फेरी इतने की पड़ी है। तो यहाँ से हमको नीचे जाना पड़ेगा जहाँ से फेरी स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे ही नीचे जाएंगे हमको अपनी बोट जो है पार्क करी हुई मिल जाती है, हमको जब तक कुछ नहीं करना होता, अपने जो कार्ड हमको मिला है जो टिकट हमको मिली है वहाँ पर स्कैन कर देते हैं एंड हमको एंट्री मिल जाती है। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, पहले जब आए थे राइट में आए थे तब इसका टाइम अभी सही भी नहीं, क्लोज कर देते हैं तो बेनिफिट उसका होता नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग में, हमने पूरा प्लान से ये बनाया था ताकि हम फेरी ले पाए, क्योंकि सम टाइम टाइम नहीं मिल पाता है। तो केरला डे था इसलिए हमको छुट्टी थी, तो काफी इजीली से हमने वो चीज एक्सप्लोर कर ली और हमको मौका मिल गया इस फेरी को एंजॉय करने का। यहाँ पर लिखा है वेलकम, ये कुछ व्यूज है नया करके देख सकते हो, और ये वो प्लेस है फ्रेंड्स जहाँ पता नहीं जब भी आप गए हो गए आपको सबको मालूम होगा, ये फोटो क्लिक करते हैं आपकी, जब आप वापस आते हो टर्न होते हो तो आपको बोलते हैं कितने बाय कर लो, ऐसा कुछ सीन होता है, वो हमने खिंचवा ली थी। अभी नेक्स्ट टाइम अपन आ चुका है जहाँ पर हमको सिर्फ ये हेड वाले बहन है कि वहाँ पर जैसे ही फेरी नजदीक जाती है ना तो इतना वाटर होता है कि आप पूरे भीग जाते हो। भीग तो हम फिर भी गए थे बट इसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं क्योंकि ये तो हवा में ही रहती है, कुछ इसका फायदा ज़्यादा होने वाला है नहीं। वैसे फिर ही हमको लेना पड़ा, आई होप कि फर्स्ट टाइम गए थे मालूम नहीं था कि क्या कुछ वहाँ पर होने वाला है। तो ये हमारा आ चुका है पार्क जो कि अवेलेबल है, बाद घूम भी सकते हो पास्ता जो भी अवेलेबल है। और ये हमारी है वो नेवी बिल्कुल रेडी है जहाँ पर हमको एक्सप्लोर करना है। ये फ्लैग देख रहे हो आप कैनेडा यूएस दोनों के, वो दूसरी साइड में यूएस की नेवी लगी हुई आप देख पा रहे हो, वो यूएस के लोग हैं जहाँ पर कैनेडा के हैं। तो वो जब घूम के आती है तो कैनेडा की साइड से जाती है, ये घूम के आती है यूएस वाली साइड से घूम कर आती है। तो हम लोग जाने वाले ऊपर ही, क्योंकि जो मजा ऊपर से है वो नीचे से नहीं आने वाला, तो सबसे पहले ऊपर ही जाएंगे कि वहाँ पर व्यूज बहुत क्लियर दिखते हैं, काफी मजा भी एंजॉय कर सकते हो।
कुछ लोगों को डर लगता है तो कुछ सम लोग जो है नीचे भी रुक जाते हैं एंड मोस्ट पीपल है ऊपर ही जाते हैं ताकि व्यूज बढ़िया रिकॉर्ड कर सके, एंजॉय मोमेंट्स को एंजॉय कर सके। हम भी ऊपर ही जाएंगे और जैसे ही निवेश आउट हो जाएंगी तब मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर व्यूज को एंजॉय कीजिएगा। The height of the American Falls stands at 180 feet, 56 meters high. Its crest line 1,075 feet, 128 meters wide. Its water flow 75,000 gallons, or 8,800 liters per second. And a recent notable outfall, the
पूरे कितने हो गए। देखिए बस यूएसए जहाँ से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर था, जिसको यूएसए का ड्रीम पूरा करना है यहाँ से डेफिनेटली आ जाए, थोड़ा एंजॉय कर पाएगा, देख पाएगा यूएसए कैसा दिखता है। और देखिए वहाँ पर दिख रहे हैं, वहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ, जूम दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये यूएसए की नेवी यहाँ पर रुकती है, ये यूएसए का बॉर्डर है। और जहाँ पर दूसरी अभी जहाँ साइड जा रहे हैं वहाँ पर कैनेडा की नेवी रुकती है। इट मीन जब ये टर्न करके लेके आते हैं तो यूएसए में साइड से घुमा के लेके आते हैं, और यूएसए वाले आते हैं तो कैनेडा वाली साइड से। तो आप बढ़िया मूवमेंट जो है व्यूज इंजॉय कर सकते हो दोनों साइड के। फ्रेंड्स तो अपना टूर हो चुका है कंप्लीट, राफ्टिंग कर ली है, वाटर राफ्टिंग भी कर ली है, नाव पर जाना था वो कंप्लीट कर लिया, कुछ शेष नहीं रह गया। तो कपड़े थे फ्रेंड पूरे गीले हो चुके हैं, मेरी जैकेट भी पूरी, जो हुडी है वो भी गीली हो चुकी है, एंड जो लोअर है वो भी पूरी गीली हो चुकी है, इसलिए हम लोग आए थे टीम में थोड़ा कुछ गर्म पीने के लिए, चाय और रेस्ट के लिए। स्नैप तो नहीं बनाऊंगा यार मैं, तो वो लोग चलानी है बड़ी। हीटर चालू है तो देखिए कौन ही। ओके फ्रेंड्स तो बहुत घूम चुके हैं, और लास्ट टाइम थोड़ा सा खाएंगे और फिर चलेंगे घर पर। आज के व्लॉग में इतना ही, मस्ट सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स।